एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर का नशक तस्करों पर लगातार प्रहार जारी है। देर रात उनकी टीम ने कार्यवाही करते हुए एक युवक को 9 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी कहाँ से करता था? आरोपी 3 महीने पहले ही जेल से बाहर आ जाता है, फिर से नशे की तस्करी शुरू कर दी। सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि गांव कलावड़ के पास एक युवक कार में सवार होकर नशा तस्करी कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक युवक कार में दिखाई दिया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट खेल विभाग के कोच अमित कुमार को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी की पहचान कलावड़ निवासी अवनीश उर्फ किन्नू के नाम से हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि आरोपी की कार भी कब्जे में ले ली गई है और वह कार में नशे की तस्करी करता था। आरोपी पहले भी 2 मामलों में तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। 3 महीने पहले ही जेल से बाहर आया, आते ही फिर से नशे का कारोबार शुरू कर दिया। आरोपी की प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी, यदि नशे में संलिप्त पाए गए तो कार्यवाही तय है। कि कलावड़ गांव में एक नवयुवक नशे का कारोबार कर रहा है, जिस सूचना के आधार पर हमने अपनी टीम को गठित किया और गठित करने पर हम उस एरिया में पहुंचे मार्केट, और वहां पर मुखबिर के आधार पर एक युवक को कार सहित काबू किया गया, और जो काबू करने के बाद उसका नाम पूछा, जिसने अपना नाम अविनाश कुमार उप किन्नू बताया, जो कलावड़ का ही रहने वाला है। फिर मौका पर राजपत्रीय अधिकारी को बुला के उनकी तलाशी कराई गई, जो उसकी पोजीशन से 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से जाता था और कब से ये काम कर रहा है। जो इसकी पूछताछ पे जो आगे हमारे को पता लगा है, ये पहले ट्रक ड्राइवर था और गलत संगत में पड़ने के बाद ये नशे का आदि हो गया था, और जब इसका गुजारा नहीं हुआ करीब 4 साल से नशा बेच रहा था। कितने मुकदमे दर्ज हैं पहले, कब बाहर आया? इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। अब जो पूछताछ में पता लगा कि 3-4 माह से बाहर आया, 2 मुकदमे NDPS के हैं और 1 मुकदमा अलग से है, 376 वगैरह का भी है। और जो मैं पत्रकार के माध्यम से यमुनानगर वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर श्री मोहित हांडा जी द्वारा जो नशे के ऊपर एक कार्रवाई चलाई जा रही है, जो भी नशा कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कृपया या तो वह नशा छोड़ दें या यमुनानगर जिले से कहीं और प्लान कर जाएं। ये कल रात के टाइम हमारे को एक सूचना मिली थी कि कलावड़ गांव में एक नवयुवक नशे का कारोबार कर रहा है, जिस सूचना के आधार पर हमने अपनी टीम को गठित किया और गठित करने पर हम उस एरिया में पहुंचे मार्केट, और वहां पर मुखबिर के आधार पर एक युवक को कार सहित काबू किया गया, और जो काबू करने के बाद उसका नाम पूछा, जिसने अपना नाम अविनाश कुमार उप किन्नू बताया, जो कलावड़ का ही रहने वाला है। फिर मौका पर राजपत्रीय अधिकारी को बुला के उनकी तलाशी कराई गई, जो उसकी पोजीशन से 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाता था और कब से ये काम कर रहा है। जो इसकी पूछताछ पे जो आगे हमारे को पता लगा है, ये पहले ट्रक ड्राइवर था और गलत संगत में पड़ने के बाद ये नशे का आदि हो गया था, और जब इसका गुजारा नहीं हुआ करीब 4 साल से नशा बेच रहा था। कितने मुकदमे दर्ज हैं पहले, कब बाहर आया? इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। अब जो पूछताछ में पता लगा कि 3-4 माह से बाहर आया, 2 मुकदमे NDPS के हैं और 1 मुकदमा अलग से है, 376 वगैरह का भी है। और जो मैं पत्रकार के माध्यम से यमुनानगर वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर श्री मोहित हांडा जी द्वारा जो नशे के ऊपर एक कार्रवाई चलाई जा रही है, जो भी नशा कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कृपया या तो वह नशा छोड़ दें
या यमुनानगर जिले से कहीं और प्लान कर जाएं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।